जयेश मलोड़ा, आपने 10:15 बोला था, मैं थोड़ा सा शायद आप काफी आए थे उस दिन, कोई और आए नहीं, मेरे जूनियर एसोसिएट थे सर, एसोसिएट। मैंने ये कहा था कि ये भाई बहनों का मैटर है सर, इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर। आई हैव स्पोकन टू द लोकल काउंसिल सर। बोल दीजिए लोकल काउंसिल को, बता दीजिए, वो ये ना समझे कि ये जो है जी, ये मुकदमा दो कोर्ट से वो हार गए, ये वो जीत गए, तो यहाँ से भी जीत गए। ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकता, पलट नहीं सकता। मैं अभी एडमिट कर लूंगा, अच्छा लड़ते रहना 20 साल तक। जी सर, ये भाई है अपनी पूरी जिंदगी भर इसने जो है बहनों का साथ दिया होगा, उनकी शादियां हुई होगी, बच्चों की सब सही, कुछ सही किया होगा, तो अब इस ये पूरी की पूरी जमीन अब इसकी इस उम्र में बंटवा लोगे, तो यदि बंटवा रहे हो तो फिर अपने ससुराल की सारी संपत्ति रख लो साथ में, फिर बांट देते हैं। जी कितनी है ससुराल में संपत्ति, एफिडेविट दो जी, अभी पूछ के बताइए 2-15 पे। हाँ सर, इसमें मैंने लोकल काउंसिल से बात करी थी, लोकल काउंसिल होने नहीं देगा राजीनामा। तीन बहनें, तीनों अलग अलग जगह रहती हैं, फिर तीनों से एक की डेथ हो गई है, एलआर उसके आगे हैं। उसके पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल एडमिट टुडे। जी जी जी, मुझे रचना राजीनामा चाहिए। काली तरफ से मेरा ये कहना था सर, लेट एन ऑफर कम फ्रॉम देयर साइड। ऑफर है, ऑफर ही ऑफर है, ये जितना उनका है उसका आधा हिस्सा ले लें। जैसे सबका जो है, सब लोग 1/4 मांग रही है, 1/8 ले लें। मैं आर यू इंटरेस्टेड, हमने सर इनको, आर यू इंटरेस्टेड, हमने इनको 5 लाख, 5 लाख तीनों बहने के लिए इंटरेस्टेड, मैंने क्या बोला, मैं उसके लिए पूछ लेता हूँ सर। पूछ लीजिए, जितना जो बहन का जितना हिस्सा है उसका आधा उसको मिलेगा। मान लो वो 1 रुपए की हकदार है 1/4 के हिसाब से, तो वो 50 पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे सर। ये देने को तैयार है, मैं पूछ लेता हूँ, अपील खारिज है आपकी, मैं इस चीज के बारे में पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए अभी, और अदरवाइज दिस इज डिसमिस्ड। सवा 2 पर मैं सिर्फ इसलिए कि आपको 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 आधा हिस्सा मिल जाए, आधे में तीनों बहनों को बढ़ जाए, मैं ऐसा सोचने चाह रहा हूँ। मैं पूछ लेता हूँ सर, बाकी वैसे ये लैंड सर नॉन ट्रांसफरेबल है, एक्सेप्ट विद द पत्नी जी की ना। हाँ, पर उसमें कुछ कंडीशन है सर। जी की है ना, आप एक हिस्सा ले लीजिए, एक हिस्से में तीनों बहन ले लेंगे। मैं पूछ लेता हूँ सर, बात आधा आप ले लीजिए। वैसे सर हमने तीनों बहनों को 5-5 लाख रुपए का ऑलरेडी कह रखा, लेकिन वो अमाउंट पे थोड़ा सा वो कितना मांगती है, अमाउंट पे बार्गेनिंग कितना मांगती है, कितना मांग रही है बहने, कितना मांग रही है बहने, वो कितना मांग रही है, पास में आ जाए, कितना मांग रही है। नहीं, आ जाए सवाल है, वो कितना डिमांड, कितनी कितना डिमांड कर रही है सर, वो तो गुजारा कर रही है 50 लाख सब मिला के है? वो सर तीनों का शेयर मिला के 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। कितना बनता है, कितने की है जमीन, 4-1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से है, लगभग 30 एकड़ है जमीन, 20 एकड़ जमीन है सर, और उसमें से बस दिक्कत ये है कि वो बात करिए नॉन ट्रांसफर, मतलब मैटर तो सॉल्व हो सकता है जी सर। ये 5 ऑफर कर रहे हैं, नहीं ज्यादा होगा 10-10 दे देंगे, इससे ज्यादा थोड़ी देंगे जी सर। अल्टीमेटली जमीन तो कहीं और बिकनी है जी जी जी, घर के बाहर भेज देंगी वो, फिर लड़ाई झगड़े होते रहे। ऑफर क्या जमीन का सर, की क्या होगा कि जमीन तो वैसे भी मौके पर जाके नहीं बट पाएगी, क्योंकि वो ससुराल में होंगी जी जी जी, कैश में ले लेंगे तो ठीक रहेगा सर। इनका ऑफर अभी थोड़ा मेरे को एग्जैक्टली थोड़ा क्लियर सब तक पहुंचिए तो जी, बहनों तक तो पहुंचिए सर। सर बिकॉज काफी इनके बीच में टकराव भी हुए थे शुरू में, उसके बाद ही लिटिगेशन हुआ, लिटिगेशन ऐसे तो होता नहीं है जब संबंध पूरे, टकराव तो इसलिए आते हैं ना कि उन्होंने जो कही होगी ससुराली होने के लिए क्या हो जमीन वहां से, नहीं तीन अलग बहन है, तीनों के ससुराल एक से थोड़े तो, हाँ तीनों की ससुरालियों के मन में विचार आ गया होगा जी जी। इनको जितना झुका सकते हो उतना झुका सकते हैं, ज्यादा थोड़ी है, अल्टीमेटली ये भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अपने ससुराल के अंदर बैठी हुई है, यदि बंटवारा करना है तो ससुराल की कितनी जमीन है वो सब साथ में रख के कर लो जी। क्या क्या उम्र होगी उन लोगों की, क्या उम्र है बहनों की सर, सब 50 अबव हैं सर, और एक एक एक्सपायर हो गई है अभी, एक्सपायर हो गई, जो ब्रदर है वो 70 है ब्रदर, तो उतने समय में उन लोगों ने भी तो कुछ कमाया खाया होगा जी सर, वो भी जो है जमीन ले लो साथ में जी सर, बात कर लो है? मैं बात कर लू, क्योंकि उनसे बोलना अपील एडमिट हो गई तो आपको 15 साल कुछ नहीं मिलेगा अभी जी जी, बात करिए।